नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोहन। अभी कोरोना से निजात मिली ही थी, लोग बाहर निकलना शुरू ही हुए थे कि एक बार फिर से अब डरावनी खबरें सामने आने लगी। आपको बता दें कि मंकी पॉक्स का अब सामना देश को हो चुका है और लगातार इसके केसेस देश के अलग अलग राज्यों में बढ़ने लगे हैं। केरल में मंकी पॉक्स का मामला आने के बाद और राज्य सतर्क हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे मंकी पॉक्स पूरे देश में फैलना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला केस आया है, जिसके बाद से दिल्ली सरकार निश्चित तौर पर काफ़ी डरी हुई दिख रही है। देश की राजधानी दिल्ली में मंकी पॉक्स का ये पहला केस सामने आया है। जिस मरीज के अंदर मंकी पॉक्स का ये पहला मामला सामने आया है दिल्ली में, वो विदेश के ट्रेवल करके आया हुआ था। इससे पहले दक्षिण भारत राज्य केरल में मंकी पॉक्स के 3 मरीज मिल चुके हैं। यहाँ मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि 14 जुलाई को ही थी, उसके बाद 18 जुलाई को दूसरा मामला आया था और 22 जुलाई को तीसरा मामला केरल में आया था। लेकिन अब मंकी पॉक्स का विस्तार पूरे देश में हो रहा है, जो कि बहुत ही डरावनी खबर आने वाले वक्त में हो सकती है, क्योंकि याद कीजिए कोरोना का दौर किस तरीके से एक एक केस बढ़ते बढ़ते पूरे देश में लॉकडाउन जैसा हालात हो गए थे और पूरा देश उस वक्त बंद हो चुका था। अब ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला आया है, तो दिल्ली सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी अब सोचना पड़ेगा, इसके लिए उपाय जरूर निकालने पड़ेंगे। आपको बता दें कि जिस मरीज में मंकी पॉक्स के लक्षण सामने आए हैं, वो यूएई से लौटा और उसे संक्रमित पाया गया। जब उसकी जाँच हुई तो उसमें मंकी पॉक्स के लक्षण पाए गए। आपको बता दें कि दिल्ली में मिला ये नया मरीज मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में फिलहाल भर्ती कराया गया है, जहाँ पर वो क्वारंटीन है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 31 साल के व्यक्ति के संक्रमण की पुष्टि की है और बताया है कि इसकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री अभी फिलहाल में नहीं मिली है, लेकिन यूएई से शायद ये व्यक्ति आया था। यानी अब तक मिले 4 मरीजों में ये पहला ऐसा मामला है जिसकी फिलहाल कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। इस मरीज को तेज बुखार और स्किन में घावों के बाद अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। इससे पहले आपको बता चुके हैं कि केरल में 14 जुलाई, 18 जुलाई और 22 जुलाई को एक एक मामला आया, जिसके बाद केरल में लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय वहां पर देखरेख कर रहा है और आगे मामले ना बढ़े इसके लिए केरल का स्वास्थ्य मंत्रालय उपाय भी कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में केस आया है, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी चुनौती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए। और केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने फिलहाल जानकारी दी है कि भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। ऐसे में आपको बता देते हैं कि मंकी पॉक्स के लक्षण क्या होते हैं। मंकी पॉक्स से संक्रमित व्यक्ति को कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, जैसे आंख में दर्द या धुंधला दिखता है, सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है, सीने में दर्द होता है, पेशाब में कमी आ सकती है, बार बार बेहोश भी हो सकते हैं और दौरा पड़ने जैसा भी कुछ महसूस हो सकता है। और ये तमाम दिक्कतें ये बताती हैं कि मंकी पॉक्स के लक्षण आपके अंदर होंगे। ऐसे में सावधानी बहुत ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनको मंकी पॉक्स बहुत प्रभावित कर सकता है। ऐसे में आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो उपाय कोरोना के वक्त कर रहे थे, वही कर सकते हैं। फिलहाल मंकी पॉक्स, आपको बता दें कि ये चेचक के समान एक दुर्लभ वायरल संक्रमण है। ये पहली बार 1958 में शोध में आया था और उसके बाद से लगातार ये समय समय पर आता रहा, लेकिन कोरोना के बाद जिस तरीके से स्थितियाँ हुई हैं, लोगों की इम्यूनिटी वैसे भी कमज़ोर हुई है। ऐसे में मंकी पॉक्स ने एक बार फिर से अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो ये कुछ अगर आपको लक्षण दिखते हैं तो आप समझ जाइए कि कुछ ना कुछ दिक्कत है और तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए और आप अपनी इम्यूनिटी जितना अच्छे से रखेंगे, आप मंकी पॉक्स से उतना ही बच सकते हैं। बाकी डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं, लेकिन खबर अभी यही है कि दिल्ली में मंकी पॉक्स के भी केस आ चुके हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार को अब बहुत ज़्यादा सुरक्षा का ध्यान देना होगा।